सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप के एडिटिंग करने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर इस टाइप की एडिटिंग लाता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपको सिंपली करना है अपने पिक्सार्ट को ओपन, उसके बाद नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको करना है ऑल फोटोज पर क्लिक, और यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड ना ओपन कर लेना है। तो चलिए हम बैकग्राउंड को ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला बैकग्राउंड आपको ओपन कर लेना है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप ये बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड है ये पिक्सार्ट में ही बनाना पड़ता है, मैंने ऑलरेडी बना कर रखा ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे फोटो एडिट करने में और जो वीडियो है वो भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो गाइस, इस टाइप से आपको करना है बैकग्राउंड को ओपन, उसके बाद आपको अपना फोटो ऐड करना है जिसे आपको एडिट करना होगा। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको पहले रिमूव कर देना है, ताकि आपका जो यहाँ पर टाइमिंग है वो भी मैनेज हो जाए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप एडिट कर पाएँ। तो इसका जो बैकग्राउंड है आपको पहले रिमूव कर देना है एक क्लिक में। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसे आपको एक क्लिक में ये जो बैकग्राउंड है रिमूव कर लेना है। तो इस टाइप से आपको कर लेना है ऐड फोटो। रिमूव करने के बाद, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद, आपको उस फोटो को ऐड कर लेना है और यहाँ पर आपको इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, तो इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको ऊपर इरेज के बटन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको इरेज पर क्लिक करके इसका जो यहाँ पर जो हार्डनेस है इसको थोड़ा सा कम कर देना है, इस टाइप से 55 या 60 तक। उसके बाद आपको नीचे इरेज कर लेना है लाइनिंग थोड़ी सी, ताकि ये जो कलर है वो मैच हो जाए हमारी पिक्चर से। तो चलिए हम इसको यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैच कर लेते हैं। सो गाइस, इस टाइप से नीचे इरेज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको इस इमेज की शेडो क्रिएट कर लेना है, तो यहाँ पर आपको शेडोज पर चले जाना है और यहाँ पर आपको पोजीशन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके वर्टिकल को आपको 0 रख लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर वो हॉरिजेंटल है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं 4 या 5 रख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर 4 रख लेते हैं। तो इस टाइप से 4 रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट पर चले जाना है और इसकी जो ओपेसिटी है वो आपको थोड़ी सी यहाँ पर एडजस्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। उसके बाद जो यहाँ पर ब्लर है इसको भी यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 56-58 रख लेते हैं। उसके बाद आपको ऊपर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आपका जो इमेज है इस टाइप से बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टिकर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको स्टिकर पर क्लिक करके आपको ऊपर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको लाइक सर्च कर लेना है। लाइक सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, उसके बाद ये वाला आपको यहाँ पर लाइक मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको इसको इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर लाइक्स पर इस टाइप से एडजस्ट करना है आपको। तो इस टाइप से एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है वो आपको 80 या 79 या 81 आप रख सकते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट पर चले जाना है और यहाँ पर इसकी क्लैरिटी को आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। इस टाइप से करने के बाद आपको ऊपर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इस टाइप से करने के बाद आपको फिर से टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज बिल्कुल बन चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको सेव कर लेना है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम शेयर कर लेते हैं अपने एलआर में। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं मोर पर क्लिक और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको ऐड टू एलआर। तो गाइस, इस टाइप से आपको अपने एलआर को आपको ओपन कर लेना है और इसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया, अब हम कर लेते हैं अपने एलआर को ओपन। तो इस टाइप से आपको करने के बाद आपको करना है अपने लाइटरूम को ओपन। सो लाइटरूम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल फोटोज़ पर चले जाना है और जो भी फोटो यहाँ पर आपने ऐड किया, अभी जो हमने एडिट किया उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाइट एडजस्टमेंट पर चले जाना है और यहाँ पर आप थोड़ा सा लाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हाईलाइट्स को जरा डिक्रीज कर लेते हैं और शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, और जो वाइट्स है इसको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं और ब्लैक्स को आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो कंट्रास्ट है इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको कलर पर चले जाना है और यहाँ पर आपको वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, और जो टेंट है इसको भी यहाँ पर आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करके टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिक्स टूल पर चले जाना है, और जो यहाँ पर रेड वाला ऑप्शन है मतलब इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर ह्यू को मेंटेन कर लेना है, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है 10 तक। उसके बाद यहाँ पर जो ल्यूमिनेंस है इसको आपको डिक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर ऑरेंज वाला ऑप्शन है इस पर आपको ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ कर लेना है, ताकि आपका जो फेस है वो ब्राइट हो जाए, वाइट हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर ह्यू सैचुरेशन आपको इतनी ही रख लेनी है। उसके बाद येलो वाला है तो येलो में आपको थोड़ा सा इसको डिक्रीज़ कर लेना है -10 तक, और जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है
प्लस 12 तक। उसके बाद जो यहाँ पर ग्रीन है इसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेना ह्यू को और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़, और जो ल्यूमिनेंस है इसको आपको इंक्रीज़ कर लेना 6 तक। उसके बाद यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जाना इफेक्ट्स के ऑप्शन पर, और यहाँ पर क्लियरिटी को इंक्रीज़ कर लेना है, डीएस को इंक्रीज़ कर लेना है, और जो विग्नाइट इसको डिक्रीज़ कर लेना है इस टाइप से। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं विग्नाइट, तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 21 -21 रख लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर मिड पॉइंट है इसको भी यहाँ पर इंक्रीज़ करके फेदर को भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक, और यहाँ पर शार्पनेस को इंक्रीज़ कर लेते हैं, नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज़ कर लेते हैं, और जो कलर नॉइज रिडक्शन इसको भी इंक्रीज़ करके स्मूथनेस को इंक्रीज़ फुल कर लेते हैं। तो गाइस इस टाइप से हमारा फोटो बिल्कुल कंप्लीटली एडिट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो कितना ऑसम बन चुका है। तो गाइस उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब मस्ट है। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।